घर पे लोग छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं, जैसे कि आज। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का हम लोग इंट्रो कर रहे हैं किचन में, बिकॉज क्या फ्लेम, एक तो इसका फ्लेम ऐसा हो गया ना, कम होता है तो दिखता ही नहीं है कि फ्लेम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं क्या बोल रही थी, हाँ, आज का हम लोग इंट्रो कर रहे हैं किचन में, बिकॉज आज सुबह सुबह हम दोनों का ही काम लग गया है किचन में, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में सब लोग का था कि हाँ सब लोग सैंडविच खाने वाले हैं। मैं बच गई, बिकॉज मैं ब्रेड नहीं खाती, मुझे ब्रेड से नफरत है, नफरत। बचपन में खाती थी लेकिन उसके बाद उल्टी आती है मेरे को ब्रेड के नाम से। तो मम्मी ने कहा कि बेटा एक पैकेट जो है मैगी रखा हुआ, तो तुम अपना बना लो। मैं, ओफो मम्मी कितना सोचते हो आप मेरे बारे में, क्या बात है। यहाँ देखिए, यहाँ पे चाय के लिए पानी उबल रहा है, यहाँ पे मम्मी क्या बोलते हैं सैंडविच के लिए सारा प्रिपरेशन कर रही है, पूरा मिक्स मुक्स करके अच्छे से मम्मी सैंडविच बनाने वाली है। अरे तुम कुछ पार्टी रखी है ना, तुमको नैन्सी दीदी अच्छी, सबसे अच्छा कौन नैन्सी दीदी, सब सब रटा के रखी है तुमको, रटा के नहीं रखती हूँ। ईशु दिल से बोलो, सबसे अच्छी कौन? यही तो है माया जाल, तुम इससे फंस गया है। तो डुगू को तो नहीं फंसा सकती मैं, डुगू से पूछो सबसे अच्छा कौन, वो भी नैन्सी दीदी बोलेगा। सबको फंसा के रखी हो, सबको, वो 10 साल के बच्चे को फंसा के रखूंगी मैं। बस बेटा बस, देखो ये फंसा के रखना, पहले बता रहा हूँ, मेरा 2 गुजिया बच जाना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। तुम तो बड़ा गुजिया ना खाएंगे अब, हो गया भाई। हाँ, मेरा दो हफ्ता में खाऊं। अभी हम सुबह बोले नाश्ता में क्या आया था, मेरे गुजिया वुजिया खा लो जो है बचा हुआ। तो भाई साहब अब मीठा नहीं खाऊंगा मैं, बस मेरा हो गया, अब मेरा हो गया। 2 गुजिया खाऊंगा पूरा 1.5 हफ्ता में, डेढ़ हफ्ता में 2 गुजिया खाऊंगा आराम से, एक एक पीस करके। गुजिया खत्म, दो ही गुजिया बचा हुआ है, 2 ही गुजिया। अब गुजिया छोड़, मुंह माया खत्म, बाजार बढ़ रहा तुम्हारा। नैन्सी मिठाई कैसे खाती है पता है? कैसे? जैसे डॉक्टर दवाई बोलता है ना, नाश्ता से पहले खाना के बाद शाम में फिर जो रिफ्रेशमेंट है उससे पहले, उसके बाद रात में सोने से पहले और 1 घंटा उठने सोने के बाद उसको मिठाई। अरे आप लोग खाते नहीं हो, डब्बा में पड़ा रहता है, आप लोग खा के खत्म करोगे तो मेरे को खाने का मौका। दिवाली का मिठाई कितना दिन चला मेरा, ओए होए, सड़ा दिए थे लड्डू, लड्डू सगर पारा सब सड़ा दिए थे हम लोग, एक डब्बा लेकर ट्रेन में खा गए। A few inches later, आज मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ। लाइक एक मैंने रेजोल्यूशन लिया है कि अब देखो हिंदी महीना के हिसाब से होली वाले दिन से हमारा नया साल शुरू हुआ है, मतलब कि चैत्र। तो मैंने ये प्रण लिया है कि अब से मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी, तो आज मैंने ठंडे पानी से नहाई हूँ, जुड़जुड़ी छूट गई मेरी। तभी शाम का वक्त है और हम लोग आए हुए हैं पार्क, क्योंकि हम लोग ने अपने रूटीन में एक चीज़ ऐड किया है कि बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए हम लोग पार्क में आए हैं। हम चारों लोग आए हैं, ऑल बच्चा पार्टी गैंग और मेरी प्यारी चाची। तो अभी हम लोग कर रहे हैं वॉक, थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, बिकॉज हम लोग का मन तो था कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन बच्चे लोग वो ओपन जिम को घेर के बैठे हुए हैं, वो लोग उठ ही नहीं रहे, वहाँ से हिल ही नहीं रहे, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग राउंड ही मार रहे हैं, 4 राउंड हमारे हो चुके हैं, 1 राउंड और बाकी, उसके अलावा उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगी ना, बिकॉज ये ग्राउंड का जो पाथ है ना वो है लंबा, इसलिए 5 से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं। 2 दिन हुआ मेरे को पार्क में आते हुए और मुझे अभी से लग रहा है कि मेरा फैट जो है बर्न हो रहा है। अभी मैं बैडमिंटन खेल के आई हूँ और पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और बैडमिंटन मैं बहुत पहले खेलती थी, जब मैं बच्ची हुआ करती थी तब मैं खेलती थी गली में बैडमिंटन। अभी तो प्रैक्टिस छूट गई है, लेकिन ठीक है, अभी 2-3 दिन खेलूंगी लगातार तो प्रैक्टिस वापस से बन जाएगी। और भाई साहब बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मैं जाके अभी घर नहा लूँ। तो अभी हम पार्क से निकल चुके हैं और मैं बहुत खेली आज पार्क में, और बहुत टाइम के बाद खेली, मतलब जब से लॉकडाउन हुआ था ना तब से हम लोग गली में खेलना ही बंद कर दिए थे, और ऊपर से हम लोग बड़े भी हो गए थे, लेकिन बड़ों को भी खेलने का अधिकार होता है। आज मैं खेली और मेरे को बहुत मज़ा आया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो अभी मैं घर आ गई हूँ और जितना कैलोरी मैंने वहाँ पे घटाया उतना मैं दोबारा से बढ़ाने वाली हूँ। मैंने फ्रूटी खरीद लिया है क्योंकि मेरे को कुछ पीने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और ये 5 वाली फ्रूटी मैंने बचपन में देखी थी, उसके बाद फिर आज देखी है। तो अभी टाइम है डिनर का, और डिनर में ना मतलब बहुत टेंशन चल रहा है, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, हमारे घर पे लोग छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते हैं, जैसे कि आज डिनर में क्या बनना है, इसके बाद बारे में टेंशन चल रही है पूरे घर में। तो अभी भैया गया है बाहर मूढ़ी लेने के लिए, अगर मूढ़ी मिल जाता है तो रात में मम्मी भैया का हो जाएगा झालमुढ़ी या भेलपुरी,
मैं और पापा जो सुबह बचा हुआ था पूड़ी आलू का सब्जी, उसमें मेरा हम दोनों का हो जाएगा। अगर बाय चांस नहीं मिलता है तो बनेगा घर में पनीर का भुजिया। आई होप कि मुड़ी ना मिले। मम्मी यहाँ पे भैया का चोटी बनाने जा रही है बहुत टाइम के। तो क्या बनाने जा रही है? सिंपल हेयर स्टाइल। जब मैं एलकेजी में था। चंदा है तू मेरा सूरज है। मम्मी राइटी तो मांग लेफ्ट। मम्मी लेफ्टी मांग राइटी। ऐसा चला रहा है। देखो भैया, एक हो गई है बहुत बड़ी समस्या कि चैत्र का महीना स्टार्ट हो गया है और हमें लग रही है बहुत जोर से, मतलब एक्सट्रीम लेवल की गर्मी। ठीक है, मैं बता नहीं सकती, बॉडी में से अंगारे छूट रहे, इसीलिए हम आज चादर निकालने वाले हैं कम्बल को छोड़ के। ये मेरा चादर है, माय प्यारा चादर। आप दिल्ली में रह के सीपी तक गए हो मम्मी? सीपी कहा जाएगी, हम एबीसीडी पढ़ते हैं। सीपी है। मैं गया एक बार, पता है? मैं भी गई सीपी, गई हूँ बहुत पहले, जब मैं छोटा था तब। सीपी पता है क्या है? सफेद दीवार। ऐसा सफेद दीवार जिसमें इसे लाल रखो। लाल ऐसी होता है तभी तो लाल किले इतना वो लगता है। मेरे को भी ले चलो ना खाटू श्याम भैया, लड़का लोग जा रहे हैं। अरे यार मुझे उसे तो ही हो गया, इसका मतलब मुझे तो ही गया है, थोड़ा बाल कटवा लो, मुझे तो है तुम्हारे बाल। मम्मी गलती से मत बोलना, आई लव माय हेयर्स। मैं अपने बाल मैं इससे ज्यादा तो ना कटवाऊं कभी जिंदगी में। तो भैया बात बंद करो। मेरे को खाटू श्याम जाना, चलेंगे बाद में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।